नमस्कार साथियों, आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आप तक लेकर आएंगे कुछ ऐसी कहानियाँ जो अब इतिहास के पन्नों में दबती जा रही हैं। ऐसी कहानियाँ जिसे सुनकर आप कहेंगे क्या वाकई। हम लेकर आएंगे कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ जिसे आपकी जनरल नॉलेज हो सकेगी और भी बेहतर। तो आइए चलते हैं चेन्नई में, जिसमें हम रूबरू कराएंगे रुक्मणी देवी अरुंडेल से। आखिर हैं कौन ये और इनका योगदान कैसे महत्वपूर्ण है भारत के लिए? सोचिए, अगर भारत में किसी भी शख्स को देश के राष्ट्रपति बनने का मौका मिले और वो मना कर दे, अजीब सा लगता है ना। रुक्मणी देवी अरुंडेल ऐसी महिला थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत की प्राचीन कला को एक नई पहचान दिलाने में झोंक दी। उनके लिए राष्ट्रपति भवन और देश के सर्वोच्च पद से ज्यादा जरूरी था चेन्नई का ये कला क्षेत्र जो उनके सपनों का घर था। रुक्मणी देवी की देन है ये। ये दुनिया भर में ललित कला के समझने, पढ़ने और देखने के लिए एक बड़ा केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना के लिए रुक्मणी देवी ने कितना संघर्ष किया है? 1904 में ब्राह्मण परिवार में जन्मी रुक्मणी के पिता नीलकंठ शास्त्री थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। पिता की वजह से रुक्मणी देवी की भी दिलचस्पी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी और वहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर जॉर्ज अरुंडेल से हुई और 1920 में दोनों ने शादी कर ली। देश विदेश घूमने के बाद रुक्मणी देवी को संस्कृति और भारत के गौरवशाली अतीत में लगाव और बढ़ गया। वो उस समय कहती थी कि भारत को दुनिया के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। आज हम पश्चिम की एक भद्दी नकल बनना चाहते हैं। हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है और इसी सोच की वजह से उन्होंने भरतनाट्यम को जन जन तक पहुंचाने की भी ठानी। पहले थोड़ा जानते हैं भरतनाट्यम के बारे में। माना जाता है कि ब्रह्मा ने नृत्य वेद को लिखने के लिए चारों वेदों का उपयोग किया। नाट्य वेद यानी पंचम वेद को भरत और उसके साथियों को दिया गया। भरत के नाम पर ही भरतनाट्यम नृत्य का नाम है। लेकिन धीरे धीरे प्राचीन भारतीय रचनात्मक शक्ति की ये महान धरोहर 20वीं सदी की शुरुआत तक खत्म होने के कगार पर थी। लेकिन मंदिरों में देवदासियों ने इस नृत्य की महान शैली को जिंदा रखा हुआ था। जिस तरह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की बेरुखी नजर से देखा जाने लगा, वैसे ही देवदासियों के इस नृत्य को भी लोग अच्छी नजर से नहीं देखते थे। ऐसे में रुक्मणी देवी ने बीड़ा उठाया कला को उसका सही स्थान दिलाने का। उन्होंने न सिर्फ भरतनाट्यम सीखा बल्कि 1935 में तमाम विरोध के बीच अपनी सार्वजनिक प्रस्तुति देकर उन्होंने पारंपरिक भारतीय कला को लोगों के सामने लाकर अचंभित कर दिया। उन्होंने ही इस नृत्य शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुलंदियों तक भी पहुंचाया। 1952 में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा का जब गठन हुआ, तब उसमें शामिल होने वाली पहली महिला थी रुक्मणी देवी। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जाकर रुक्मणी देवी से पूछा, क्या आप प्रेसिडेंट बनना चाहोगी? रुक्मणी देवी ने इनकार कर दिया। हालांकि अगर उन्होंने हाँ कर दी होती तो इतिहास रचने के साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती। 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी, तब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही पदों पर महिलाएं होती, पर ऐसा नहीं हुआ। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के लिए देश को 2007 तक इंतजार करना पड़ा। रुक्मणी देवी को 1956 में पद्म भूषण से लेकर कई बड़े सम्मान मिले।
लेकिन आज जो वो भारत के नृत्य को पहचान दिला गई उसके लिए कोई भी सम्मान कम ही है। रुक्मणी देवी का निधन 24 फरवरी 1986 को चेन्नई में हो गया, लेकिन आज भी वो करोड़ों लोगों की वो आदर्श हैं। हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली कड़ी में आपको बताएंगे दूसरी किसी अहम शख्सियत के बारे में, जिसे जानने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये कहानी कैसी लगी इस बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।